नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं ललित कुमार शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एक्सपर्ट इंटीरियर में। दोस्तों मैं आज आपको ऐसी जानकारी दूंगा जिसकी मदद से आपके घर में जो स्लाइडिंग डोर हैं, जो स्लाइडिंग कबर्ड के डोर हैं, वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होंगे, इवन यहाँ तक कि 1 mm भी वह बेंड नहीं होंगे। बट दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि डोर बेंड हो जाता है, इसके लिए वो प्रोफाइल के शटर यूज करने लग गए और उसमें कांच लगवा देते हैं। बट यहाँ पर ये थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि मान लीजिए कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और उसने उस कांच के दरवाजे को कुछ मार दिया, तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी ये रिस्क है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस तरीके की रिस्क में पड़े। तो करे क्या, कैसे निजात पाए इस बेंड की प्रॉब्लम से, डोंट वरी आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अब आपको क्या करना है वो मैं बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो प्लाईवुड और ब्लैकबोर्ड के दरवाजे बेंड होते हैं उसमें मिस्त्री का कोई फॉल्ट नहीं होता है। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने प्रैक्टिकल बताया है कि ये बेंड क्यों होते हैं, वो आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर। तो दोस्तों चलिए आज के इस टॉपिक की ओर फिर से चलते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उसी ट्रिक से आपको दरवाजे बनाने हैं। अब आपको क्या करना है कि मार्केट से 2x2 की प्रोफाइल ले लेनी है, एल्यूमिनियम की प्रोफाइल, और जो भी आपके डोर की साइज है उसके हिसाब से प्रोफाइल में सबसे पहले डोर बना लेना है। अब यहाँ पर आपको 2-3 सपोर्ट बीच में भी डालने हैं ताकि हम जो भी प्लाईवुड मारने वाले हैं उसको अच्छा सपोर्ट मिल जाए। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, इस तरीके से आपको पूरी फ्रेम रेडी कर देनी है। उसके बाद बाहर 8 mm और अगर आप चाहते हो तो अंदर भी 8 mm ले सकते हो, नहीं तो आप 6 mm भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक डोर बनवा लेना है। अब ये मिस्त्री ही बनाएंगे जो कि आपके घर में फर्नीचर का काम करने वाले हैं। तो इस तरीके से पूरा डोर हमारा रेडी हो गया है। अब हमको इसी में व्हील खाबना है और जो भी करना है इसी में करना है। हम इस तरीके से अगर दरवाजा बनाते हैं तो हमारा जो दरवाजा है वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीच में प्रोफाइल आ जाती है और प्रोफाइल बेंड नहीं होती है, क्योंकि हमने बाहर 8 mm मारी है, अंदर भी 8 mm या फिर 6 mm जो भी हमने मारी है। अब इसमें इतना पावर नहीं होता है कि जो हमारी एल्यूमिनियम की प्रोफाइल की फ्रेम है उसको बेंड कर सके। इसके लिए हमको यही ट्रिक अपनानी है। इसमें जो डोर बनेगा वो काफी स्मूथ भी चलेगा, क्योंकि इसमें इतना वजन भी नहीं होगा और ये काफी ज्यादा हल्का भी होगा। तो दोस्तों अगर आप इस ट्रिक से दरवाजा बनवाते हो तो आपको बेंड की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों इसी तरीके की और अच्छे वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।